पापा की कहानियाँ मस्ती में खुलो। पापा, क्या तुमने फैसला कर लिया है कि दान में क्या क्या देना है? हाँ, ये सब। आज पापा अपने कुछ कपड़े और खिलौने दान वाली दुकान में देने जा रही है। इसे दान करना कहते हैं। चलो चलते हैं। दान वाली दुकान दान में दी गई चीजों को बेचती है और उस पैसे से लोगों की मदद करती है। बहुत बढ़िया। क्या तुम इन्हें बेचने में मेरी मदद करोगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं मदद करूँगी खरीदारी करके। पापा इस बात के लिए काफी उत्साहित है कि लोग उसकी पुरानी चीजें खरीदें। लेकिन कोई इन्हें खरीद नहीं रहा है। दान की गई कोई भी चीज कोई नहीं खरीद रहा मिस रैबिट। कोई बात नहीं है, हमें बस लोगों को ये बताना है कि ये चीजें खरीदने के लिए हैं। ऐसे क्या आपको खरगोश वाला खिलौना अच्छा लगता है पुलिस ऑफिसर पांडा? जी हाँ। क्या आप इसे खरीदना चाहते थे? हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। तुम कोशिश क्यों नहीं करती पापा? मुझे थोड़ी ठंडी लग रही है मम्मी। क्या आप ये जंपर खरीदना चाहोगी सूजी? ये काफी गर्म, ऊनी और राहत देने वाला है। हाँ प्लीज, मुझे ऊन काफी पसंद है। हेलो मिस रैबिट, मुझे खेलों के शौकीन व्यक्ति के लिए उपहार की तलाश है। मुझे पता है। पकड़ो ये एकदम सही है। धन्यवाद। अब पापा अपने खिलौने वाला बस बेचना चाहती है, लेकिन उसे खरीदने के लिए कोई है ही नहीं। मिस रैबिट, मम्मी को छोड़कर दुकान में कोई ही नहीं है। चलो इसे विंडो डिस्प्ले में रखते ताकि बाहर से सब इसे देख पाए। हाँ। हेलो, यहाँ देखिए इस बस वाले खिलौनों को देखिए। क्या आप इसे खरीदना चाहोगे? पापा की आवाज दुकान के बाहर कोई नहीं सुन पा रहा। वो बड़ी असली वाली बस पापा के छोटे से खिलौने वाली बस जैसी ही दिखती है। हमारे पास ऐसी ही बस है। हो सकता है कि ये कल बिक जाए पापा। माफ कीजिए, ये बस वाला खिलौना बेचने के लिए है? हाँ क्यों नहीं, क्या आप इसे खरीदना चाहेंगी? मुझे इसे खरीदने में खुशी होगी। मुझे सभी बसें पसंद है, बड़ी और छोटी। अरे वाह! पापा को दान वाली दुकान बहुत अच्छी लगती है। सभी को दान वाली दुकान बहुत अच्छी लगती है। बहुत बढ़िया लग रहे है ना पापा? डैडी, हम जॉर्ज के लिए जूते ले रहे हैं, आपके लिए नहीं। आज जॉर्ज कुछ नए जूते ले रहा है। हेलो मिस रैबिट, हमें जॉर्ज के लिए कुछ नए जूते लेने हैं। जॉर्ज के जूते काफी पुराने हैं। आप लकी हो, यहाँ काफी सारे जूते हैं। हम जॉर्ज के लिए सही जूते ढूंढ लेंगे। पहले हम तुम्हारे पैरों का नाप लेंगे। इस नाप लेने वाली मशीन में अपना पैर डालो प्लीज। मिस रैबिट जॉर्ज के पैरों का नाप ले रही है ताकि वो उसे सही आकार के जूते ढूंढ कर दे सके। तुम्हारे पैर बहुत छोटे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जॉर्ज एक बच्चा है। जॉर्ज कोई बच्चा नहीं है। मेरे पीछे आओ। हम अपने सारे छोटी साइज वाले जूते यहाँ रखते हैं। तुम्हें कौन से जूते अच्छे लग रहे हैं जॉर्ज? जूते वो है बोलिंग शूज। जॉर्ज को बोलिंग करना अच्छा लगता है और उसे बोलिंग शूज बहुत पसंद है। क्या तुम्हें वाकई में जूते चाहिए जॉर्ज? जूते जूते, ये टैप डांसिंग वाले जूते हैं। ये बहुत शोर कर रहे हैं। क्या कहा? जॉर्ज को खूब सारा शोर मचाना अच्छा लगता है। शायद ज्यादा ही शोर वाले जूते।
वाले जूते हैं। जॉर्ज को जोकर वाले जूते बहुत पसंद हैं। ये काफी बड़े हैं, पर जॉर्ज काफी छोटा है। जूते, जूते। जॉर्ज बहुत सारे जूते ट्राई करता है, लंबे जूते, छोटे जूते, यहाँ तक कि अजीब से जूते भी, लेकिन उनमें से कोई भी सही नहीं लगता। जूते, ये चप्पल है जॉर्ज, ये जूते नहीं है। जूते, ये बिल्कुल तुम्हारे पुराने जूते जैसे हैं। जूते। जॉर्ज को ऐसे जूते पसंद आए जो बिल्कुल उसके पुराने जूतों जैसे हैं। बहुत अच्छे, हम ये वाले लेंगे मिस रैबिट। मिस रैबिट, मैं यहाँ अंदर हूँ। जॉर्ज को अपने नए जूते बहुत पसंद है और उसे जूतों की दुकान भी बहुत पसंद है। सभी को जूतों की दुकान बहुत पसंद है। आज पेपा और उसका परिवार सुपरमार्केट में खरीदारी कर रहे हैं। गुड बाय सुपरमार्केट। क्या वो रोबोट है? नहीं पेपा, ये एक वेंडिंग मशीन है। हमें खाने पीने की चीजें लेने के लिए इसके अंदर पैसे डालने पड़ते हैं। क्या हम रोबोट से कुछ खरीद सकते हैं प्लीज? ठीक है, हम सब चुन सकते हैं एक एक खास ट्रीट। पेपा रोबोट वाली वेंडिंग मशीन से कुछ खरीदने के लिए काफी उत्साहित है। ये लो पेपा। गुड बाय सिक्के। अब उस चीज का बटन दबाओ जो तुम्हें पसंद हो। मैं पसंद करूंगी संतरे का जूस। ये रहा। अरे वाह, स्वादिष्ट। डायनासोर। जॉर्ज को डायनासोर की बनावट वाला बिस्किट मिला है। अब तुम्हारी बारी जॉर्ज। अब तुम वो बटन दबाओ जिस पर है डायनासोर। डायनासोर। मुझे लगता है मैं लूंगा वो वाली ड्रिंक। अरे ये तो फंस गया। डैडी पिग का ड्रिंक सैंडविच के पीछे फंस गया। सैंडविच बीच में आ गया, नटखट सैंडविच। हमें अब सैंडविच भी खरीदना होगा ताकि ड्रिंक भी इसके साथ नीचे गिर जाए। ये फिर से फंस गया। शरारती अनानास। चलो वो भी खरीद लेते हैं। देखो फिर से फंस गया, फिर से। आखिरकार ऊपर से गिरता हुआ ड्रिंक नीचे आ ही गया। अब मैं इसे आखिरकार पी सकता हूँ। ओहो, मेरा ड्रिंक तो एकदम फिजी हो गया। बेचारे डैडी। आप वेंडिंग मशीन से कुछ और क्यों नहीं चुनते? बढ़िया आइडिया है। वेंडिंग मशीन तो खाली हो गया है। इसलिए क्योंकि हमने सारी चीजें खरीद ली है। आज क्रूज पर पेपा और उसकी फैमिली एक खास तरह की रेस्टोरेंट में है। ये एक खास किस्म का रेस्टोरेंट है जिसे कहा जाता है बुफे। बस एक प्लेट लो और जो आप खाना चाहते हो उसे ले लो, मजे करो। अरे वाह। रेस्टोरेंट के बुफे में चुनने के लिए काफी अलग अलग तरह की खाने पीने की चीजें हैं। तुम क्या खाना पसंद करोगी पेपा? स्पेगेटी मेरी पसंदीदा है। वो तो ठीक है, लेकिन हमें इतना ज्यादा नहीं लेना चाहिए। हम कभी भी वापस आकर कुछ और ले सकते हैं।
बड़ी आइडिया है। और आप क्या चाहेंगे जॉर्ज? जूस। तो प्यास लगी है तुम्हें? मुझे लगता है हम संतरे का जूस निकाल सकते हैं। अब ये क्या हो रहा है? संतरे का जूस निकालने वाली मशीन बहुत तेज शोर करती है और इसके बावजूद इसने संतरे का ज्यादा जूस भी नहीं निकाला है। जूस। हमें थोड़ा सा जूस और निकालना होगा। स्वादिष्ट, मैं इंतजार नहीं कर रहा। तुम्हें भूख लगी थी पेपा? क्या अब मुझे थोड़ा सा और मिल सकता है? बेशक, चलो चलते हैं। अरे वाह! ग्रैंडपा पिग अभी भी जॉर्ज के लिए एक कप संतरे का जूस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अरे रे, क्या हमें और संतरे मिल सकते हैं मिस रैबिट? अभी लाई। पेपा को एक काफी खास पैनकेक मशीन मिल गई है। बस एक पैनकेक बना दीजिए मिस्टर रोबोट। मैं कभी भी वापस आकर और ले सकती हूँ। शानदार। क्रैनी पिग अपनी स्पेगेटी खाने के लिए काफी उत्साहित है। खत्म। शुक्रिया पैनकेक रोबोट। पर अब पेपा को भी प्यास लगी है। क्या मुझे भी थोड़ा सा जूस मिल सकता है ग्रैनी पिग? हाँ बेशक, ग्रैंडपा पिग जूस ला सकते हैं, लेकिन पता नहीं उन्हें इतना समय क्यों लग रहा है। ग्रैंडपा पिग ने आखिरकार एक कप संतरे का जूस बना ही लिया है। असल में ग्रैंडपा पिग ने संतरे के जूस के काफी सारे कप तैयार कर लिए हैं। मशीन ने आखिरकार संतरे का जूस बनाना बंद कर दिया है। अजीब से ग्रैंडपा, आपको इतना जूस बनाने की जरूरत नहीं थी। आप कभी भी वापस आकर और ले सकते हैं। पेपा को बुफे रेस्टोरेंट काफी अच्छा लगता है और जॉर्ज को संतरे का जूस बहुत अच्छा लगता है। आज पेपा और उसका प्ले ग्रुप एक जूस फैक्ट्री में है। वे सीख रहे हैं कि जूस कैसे बनाते हैं। और ये फल निचोड़ने की मशीन है। ये संतरे से सारा जूस निचोड़ लेती है। क्या मैं संतरे निचोड़ने की कोशिश कर सकती हूँ मिस रैबिट? बेशक, तुम सभी कोशिश कर सकते हो। सभी को संतरे निचोड़ने में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन ये काफी मुश्किल काम है। मेरे हाथ थक चुके हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास अली चीज जूस टॉपर है। स्ट्रॉबेरी से सारा जूस निकालने के लिए स्टॉम्पर में बड़े बड़े बूट्स होते हैं। ओह, क्या मैं पैरों से दबा सकती हूँ मिस रैबिट? हाँ, हर कोई कोशिश कर सकता है। अरे वाह! तो इन जूतों को पहनो और पैरों से दबाओ। ये बिल्कुल कीचड़ भरे गड्ढों में कूदने जैसा है। बहुत अच्छा किया बच्चों। अब मेरे पीछे पीछे आओ। यहाँ पर जूस को डिब्बों में डाला जाता है। हमें स्वाद को डिब्बों में दी गई तस्वीर से मिलाना होगा। तो बताओ ये क्या है? ये लाल है, क्या ये स्ट्रॉबेरी है? शाबाश मैंडी, इसे भरने के लिए लाल बटन दबाओ। आप बताओ ये वाला कौन सा है? ये हरा है, इसलिए सेब है। बिल्कुल सही सूजी। और ये वाला? इसमें बहुत सारे रंग है। शाबाश पेपा, तुमने बिल्कुल नए प्रकार का जूस बनाया है। ये रेनबो जूस है। सभी को लगता है कि रेनबो जूस दिखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। ये कमरा जायका लेने के लिए है। यहाँ हम पक्का करते हैं कि सभी जूस का स्वाद हो लाजवाब। लेकिन इस चीज को मजेदार बनाने के लिए हम गेस करेंगे हर जूस का स्वाद। पेपा और उसके प्ले ग्रुप को जूस टेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है। यम,
ये तो संतरे का जूस है। ये सेब का जूस है। इसका स्वाद ऐसा है जैसे सारे जूसेस मिला दिए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये है तुम्हारा खास रेनबो जूस। यम यम यम। पेपा को जूस के बारे में सीखना अच्छा लगता है और पेपा को उसका स्वादिष्ट रेनबो जूस बहुत अच्छा लगता है। जॉर्ज। आज जॉर्ज एडमंड एलिफेंट और रिचर्ड रैबिट के साथ रात बिता रहा है। चलो बच्चों, सोने का समय हो गया। चिंता मत करो मम्मी, मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि ये सब सो जाए। शुक्रिया पेपा। चलो सब लोग अपने अपने स्लीपिंग बैग में कदम ताल के साथ। पेपा को चार्ज लेना अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया पेपा, गुड नाइट बच्चों। मजाक कर रही हूँ। आप लोग अभी सोने नहीं जा सकते, उससे पहले आपको काफी मजेदार चीजें करने होंगी। जॉर्ज ने पहले कभी दोस्तों के साथ रात नहीं बिताई, वो काफी जोश में है। सबसे पहले हमें मिडनाइट वाली दावत करनी होगी। तुम भूत बन गए हो। मुझे भूतों की एक डरावनी कहानी पता है। जॉर्ज, रिचर्ड और एडमिन को कहानियाँ बहुत अच्छी लगती है। ये डरावनी कहानी एक कीचड़ भरे गड्ढे की है जिसमें कीचड़ नहीं था। डरावनी भूतिया चीजें या भूत, जैसा कि हमें बताया जाता है, वो होते ही नहीं है। इनका होना वैज्ञानिक तौर पर असंभव है। एडमंड चतुर और तेज तर्रार है, वो भूतों में विश्वास नहीं करता। क्या मैं कोई कहानी सुना सकता हूँ? ठीक है। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा पिग था और एक बहुत छोटा खरगोश था, और वो हमेशा एक दूसरे का पीछा करते रहते थे। कहानी खत्म। ये बहुत अच्छी कहानी थी। ओह, मुझे एक और आती है। बहुत पहले की बात है। जॉर्ज, एडमंड और रिचर्ड फिर से भूत बन गए। शैतान जॉर्ज। ओह, तुम्हें पता है आगे क्या होता है? ये। हमें काफी देर तक जागना होगा, लगभग 100 बजे तक। रेडी? मुझे नहीं लगता कि जॉर्ज को दोस्तों के साथ रात बिताना आता है। सब कुछ कैसा चल रहा है पेपा? वो गहरी नींद में सो रहे हैं मम्मी। बहुत बढ़िया, मुझे लगता है तुम्हें मिडनाइट दावत मिलनी चाहिए। अरे वाह। जॉर्ज और उसके दोस्तों को स्लीप ओवर में गेम्स खेलना अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें सोना बहुत अच्छा लगता है। आज पेपा और उसके दोस्त एक खास तरह के एडवेंचर पार्क में आए हैं। एडमिन करो भी, तुम कर सकते हो। ये वाकई मजेदार है। बहुत बढ़िया एडमिन। इस कमरे में बैलेंस बीम है, तुम्हें बॉल पिट में गिरे बिना इसे पार करना होगा। अगर तुम सब एक टीम की तरह काम करोगे तो बिना इस बॉल पिट में गिरे इसे पार भी कर लोगे। मैं अच्छी तरह से बैलेंस बना लेती हूँ, मेरे पीछे आओ। अब जॉर्ज, पेपा और एडमंड एलिफेंट को बैलेंस बीम पार करना होगा, लेकिन एडमंड को बैलेंस बीम थोड़ी सी मुश्किल भरी लग रही है। किनारों से होकर जाने की कोशिश करो एडमंड, हम मिलकर कर सकते हैं। सभी ने इस बैलेंस बीम को पार कर लिया है, अब उन्हें इस कमरे को झूल कर पार करना होगा। ये तो काफी पेचीदा लग रहा है। ये पार्क के झूले की जैसा ही है एमिली, इसे देखो। पेपा झूला झूलने में काफी माहिर है। हुरे, कसकर पकड़।
कर लो जॉर्ज। अब तुम करो एडमंड। लेकिन एडमंड एलिफेंट को ये करने में थोड़ी सी घबराहट हो रही है। क्यों ना एडमंड हम साथ मिलकर एक टीम की तरह जाएं? बढ़िया आइडिया है। अरे हमने कर दिखाया। शुक्रिया एमिली। सभी ने इस बड़े झूले को पार कर लिया है। सभी ने बढ़िया टीम वर्क किया। एक और कमरा बाकी है। ये आखिरी कमरा है, लेकिन बॉल पिट को पार करने का कोई रास्ता नहीं है। हम इतनी लंबी छलांग नहीं लगा सकते। यहाँ झूलने के लिए कुछ नहीं है। ये कमरा एक पहेली की तरह है। कोई नहीं जानता इस पहेली को कैसे सुलझाना है और पार जाना है। मैं समझ गया। लेकिन एडमंड एलिफेंट पहेलियाँ सुलझाने में माहिर है। देखा मैं कितना बुद्धिमान हूँ। सभी ने इस एडवेंचर पार्क की चीजों को कर दिखाया है। बहुत बुद्धिमानी भरी चीज की है एडमिन। एडमिन और एडमंड एलिफेंट इन सभी चीजों को फिर से करने का बेसब्री से इंतजार। और ऐसे खेलते हैं शफल पॉट। मेरा पक बॉटम पर था, इसीलिए मुझे एक पॉइंट मिलता है। आज क्रूज पर पेपा और उसकी फैमिली शफल बोट खेलना सीख रहे हैं। अब ग्रैंडपा पिग या तो मेरे पग को नॉक करके हटा सकते हैं या अपना पग ट्रायंगल में स्लाइड करके पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। चलो इसे आजमाते हैं। ग्रैंडपा पिग ने ग्रैनी पिग के पग को जॉर्ज की रेत में नॉक कर दिया है। मुझे मिले हैं 2 पॉइंट्स। क्या मैं इस बार कोशिश करूं? हाँ, इस स्टिक से पग को ट्रायंगल की तरफ पुश करो। तो ज्यादा नहीं घूमा। तुम दौड़कर शुरुआत करने की कोशिश क्यों नहीं करती? बढ़िया आइडिया है। पेपा दूर से दौड़ते हुए आ रही है, लेकिन रेत में बहुत फिसलन है। मुझे कोई पॉइंट नहीं मिला। कोई बात नहीं, ये मजे करने के लिए है। पॉइंट्स के बारे में मत सोचो। वैसे भी पहली बार में किसी को भी महारत हासिल नहीं होती। शाबाश जॉर्ज। मुझे बस कोशिश नहीं छोड़नी है। पेपा पग को स्लाइड करने के लिए अलग अलग तरीके आजमा रही है। मेरी आइसक्रीम। लेकिन किसी भी चीज से बात नहीं बन रही है। चलो शुक्र है, मेरी आइसक्रीम कौन तो बच गई इस बार। अरे बाप रे, मेरी बारी पेपा। ठीक है, ये लो ग्रैनी। ग्रैनी के पग ने पेपा के पग को ट्रायंगल में पुश कर दिया है। मुझे 3 पॉइंट्स मिले। अरे वाह! पेपा प्रैक्टिस करने के लिए काफी उत्साहित हो रही है, लेकिन खेलने के लिए कोई पग नहीं बचा है। जॉर्ज ने सारे पग से अपने रेत का किला बना लिया है। सभी को शफल बोर्ड खेलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जॉर्ज को रेत के किले बनाना और भी अच्छा लगता है। आज पेपा और जॉर्ज कुछ पुराने बक्से साफ करने में डैडी पिग की मदद कर रहे हैं। ये क्या है डैडी? ये मेरा पुराना भरोसेमंद कैमरा है पेपा। तस्वीर लेने के लिए आपको बटन दबाना पड़ता है और इससे फोटो प्रिंट हो जाती है। देखो मैं देख पा रही हूँ। क्या मैं कर सकती हूँ प्लीज? बोलो चीज। चीज। अब पेपा कैमरे से तस्वीरें ले रही है। ये
ये कैमरा वाकई मजेदार है। मजे करो, लेकिन फोटो पेपर ज्यादा नहीं बचे हैं, इसलिए सोच समझ कर इस्तेमाल करना। जॉर्ज को बहुत सारी तस्वीरें लेने में मजा आता है। अरे बाप रे, लगता है फोटो पेपर तो खत्म हो गया। लेकिन मुझे तस्वीरें लेना बहुत अच्छा लगता है। क्यों ना इसकी जगह मेरे फोन के कैमरे का इस्तेमाल करें? इससे किसी भी फोटो में फिल्टर भी लगाया जा सकता है। डैडी पिक के फोन के कैमरे से जॉर्ज को नकली मूछे लगा दी गई हैं। आओ जॉर्ज, चलो और तस्वीरें लेते हैं। पेपा और जॉर्ज को तस्वीरें लेने में बहुत मजा आ रहा है। फोन के कैमरे ने मम्मी पिग पर फूलों वाला फिल्टर लगा दिया है। बोलो चीज। और ग्रैंडपा पिग को फिल्टर से बहुत अच्छी टोपी लगा दी गई है। पेपा, जॉर्ज और डैडी पिग और ज्यादा तस्वीरें लेने के लिए पार्क में आ गए हैं। हेलो मिस्टर और मिसेस चिड़िया। बोलो चीज मिस्टर बॉय। इतना मजेदार फोटो है। डैडी पिग बतखों के पास पेपा और जॉर्ज के साथ एक फोटो लेना चाहते हैं। सभी लोग चीज कहना। एक, दो, तीन, चीज। पेपा और जॉर्ज दिन भर ली गई सारी फोटोज को एक स्क्रैप बुक में चिपका रहे हैं। ये वाला देखो जॉर्ज। लेकिन कुछ फोटोज धुंधली है। ये जरूरी नहीं कि फोटोज बेहतरीन हो, जरूरी ये है कि वो बस आपको प्यारे से दिन की याद दिलाए। सभी को फोटोज लेना बहुत अच्छा लगता है और आज सभी का दिन बहुत अच्छे से गुजरा है। आइसक्रीम शॉप में आपका स्वागत है। आज बहुत गर्मी है, इसलिए पेपा और जॉर्ज आइसक्रीम शॉप खेल रहे हैं। ये लीजिए मिस्टर डैडी पिग। शुक्रिया। आप क्या लेना चाहेंगे मिसेज मम्मी पिग? मुझे चाहिए एक बनाना स्प्लिट प्लीज। अरे वाह, बनाना स्प्लिट क्या होता है ग्रैनी? ये एक तरह की मिठाई है। सबसे पहले हम एक केले को आधा काटते हैं। नाना। उसके बाद हम आइसक्रीम, चेरी और व्हिप्ड क्रीम को मिलाते हैं। जॉर्ज को आइसक्रीम डालना पसंद है। संभल के केले को कुचल मत देना। और पेपा को व्हिप्ड क्रीम डालना बहुत अच्छा लगता है। ऊपर चेरी रखना मत भूलना। ये रहा आपका बनाना स्प्लिट मिसेज मम्मी पिग। ये तो जायकेदार लग रहा है। प्लीज, क्या मुझे निकर बॉकर ग्लोरी मिल सकती है? एक नौके नौरी? वो क्या होती है मैडम? ये एक तरह की आइसक्रीम संडे है। क्या आप इन्हें केवल संडे को ही खा सकते हैं? उस तरह का संडे नहीं, ये आप कभी भी खा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। हमें चाहिए आइसक्रीम, फ्रूट, मरेंग और क्रीम। पेपा और जॉर्ज ये सारी चीजें ग्लास में डाल देते हैं। और अब आप टॉप को सजा सकते हैं। फिर उसे सजाया जाता है वेफर्स, रंगीन स्प्रिंकल्स और सॉस डालकर। लीजिए, हो गया मैडम। ये तो गजब का लग रहा है। अब जब सबको आइसक्रीम मिल गई है, तो आप दोनों किस तरह की आइसक्रीम पसंद करेंगे? एक रेनबो जैसी। रेनबो। पेपा और जॉर्ज खूब सारी रंग बिरंगी आइसक्रीम का इस्तेमाल करते हैं। गुलाबी स्ट्रॉबेरी के लिए, ब्राउन चॉकलेट के लिए, पीला बनाना के लिए। फिर वो अपनी टॉपिंग्स लगाते हैं। चलो इन सबको मिला देते हैं। ओ,
पेपा और जॉर्ज ने सारे रंग एक साथ मिला दिए हैं। हमने तो कीचड़ भरा गड्ढा बना दिया। ये रेनबो आइसक्रीम नहीं है। मुझे अफसोस है कि हमारे पास अब और आइसक्रीम नहीं बची है। हमारे पास है तो बस वेनिला। मुझे बहुत पसंद है। पेपा और जॉर्ज को खास आइसक्रीम्स बनाना अच्छा लगता है, पर वेनिला आइसक्रीम उन्हें सबसे ज्यादा अच्छी। आज पेपा और उसके दोस्त गो-कार्ट ट्रैक पर है। सभी को मेरा नमस्ते। कौन कौन गो-कार्ट दौड़ के लिए तैयार है? मैं। पेपा और उसके दोस्तों ने अपना रेस सूट पहन लिया है। मेरा पसंदीदा रंग लाल है। और अपने सुरक्षा हेलमेट मत भूलना। आप अपना गो कार्ट चुन लो। डैनी डॉग ने अपना हेलमेट उल्टा पहन लिया है। आप गो कार्ट चलाने के लिए पेडल्स का इस्तेमाल करेंगे और रोकने के लिए ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे और स्टीयरिंग व्हील से गो कार्ट को घुमाने में मदद मिलती है। ये बाइक चलाने जैसा ही है। तुम सब इसे चला कर देखो। चलो धीरे धीरे पेडल मारना शुरू करो। मैं हमेशा बड़ी सी कार चलाती हूँ। मेरे लिए गो कार्ट आसान होगा। अरे रे, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही तेज चला रही थी। अब मैं इसे कैसे मोड़ू? गो कार्ट रेस शुरू हो गई है। ये तो मजेदार है। लेकिन सूजी शीप पेडल पीछे की ओर चला रही है। पेडल को आगे चलाने की कोशिश करो सूजी। आगे? डैनी डॉग बहुत तेजी से पेडल चला रहा है। ब्रेक का इस्तेमाल करना ना भूलना डैनी। मम्मी पिग को अपना गो कार्ट चलाने में दिक्कत हो रही है। चलो देखते हैं। इससे ये पीछे की तरफ जाता है। क्या आपको मदद चाहिए मम्मी पिग? नहीं शुक्रिया मिस रैबिट। मुझे यकीन है मैं कर सकती हूँ। मेरा गो कार्ट बहुत हिल रहा है। पेपा पूरे रेस ट्रैक पर गाड़ी चला रही है। अपनी स्टीयरिंग व्हील को धीरे घुमाओ पेपा। ज्यादा बेहतर। पेपा और उसके दोस्तों को अपने गो कार्ट्स में रेस ट्रैक के चक्कर लगाना पसंद है। चलो चले। और आखिरकार मम्मी पिग ने अपना गो कार्ट चला लिया है। समय समाप्त। सभी ने बहुत बढ़िया किया। अरे वाह! लेकिन गो कार्ट रेस खत्म हो गई है। पेपा और उसके दोस्तों को गो कार्ट रेस काफी पसंद आती है। आज पेपा और जॉर्ज फन फेयर में आए हैं। हाय पेपा। क्या तुम अब तक फन हाउस में जा चुकी हो? फन हाउस क्या होता है? ये एक खास तरह का फन फेयर हाउस होता है जिसमें खूब सारे मस्त और मजाकिया कमरे होते हैं। क्या मैं और जॉर्ज फन हाउस में जा सकते हैं? प्लीज प्लीज। हेलो मिस रैबिट, फन हाउस के लिए 2 टिकट प्लीज। फन हाउस में जाने के लिए मम्मी पिग को मिस रैबिट से टोकन खरीदने होंगे, लेकिन टोकन की कीमत मम्मी पिग की सोच से कहीं ज्यादा थी। शुक्रिया मम्मी पिग। इधर से जाइए। अरे वाह! ये डावा डोल पुल है। फन हाउस के बाकी हिस्सों को देखने के लिए इस पर से जाओ। पेपा पुल को काफी धीरे से और सावधानी से पार कर रही है, लेकिन जॉर्ज को तेजी से करने में मजा आ रहा है। तुम्हारा तरीका काफी बेहतर है जॉर्ज। बहुत अच्छे।
अब तुम्हें फॉलो करना होगा इन तीरों को। इस तरफ जॉर्ज। ये शीशे काफी हिलते डुलते हैं। फन हाउस के शीशों में पेपा और जॉर्ज वाकई अजीब दिख रहे हैं। इस शीशे में मैं कितनी लंबी दिख रही हूँ, और इसमें तुम्हारा सिर काफी बड़ा दिख रहा है जॉर्ज। और इसमें तुम दिख रहे हो एकदम गोल गोल। और इस शीशे में मैं लग रही हूँ बिल्कुल मिस रैबिट। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हूँ मिस रैबिट। मेरे पीछे पीछे घुमावदार सुरंग तक आओ। फन हाउस की सुरंग गोल गोल घूमती है और इसमें तेज हवा भी चल रही है। देखो, सुरंग खत्म होने के बाद हमें स्लाइड से नीचे जाना है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी जॉर्ज। पता नहीं इन्हें इतना समय क्यों लग रहा है, कहीं ये खो तो नहीं गए। तुमको कैसा लगा? फन हाउस तो काफी मजेदार था। बहुत बढ़िया, सभी को फन हाउस बहुत अच्छा लगता है क्योंकि फन हाउस वाकई। आज पापा अपने ब्लॉक्स वाले खिलौनों से खेल रही है। उफ, सावधान रहो जॉर्ज, ये काफी छोटा सा शहर है और तुम एक विशाल डायनासोर हो। इससे मुझे एक आइडिया आया है। क्या तुम विशाल जीव बनना चाहोगे जॉर्ज? जॉर्ज पेपा के साथ विशाल का जीवो जैसा रोल करने के लिए बहुत उत्साहित है। हेलो पुलिस ऑफिसर पांडा। टॉयलैंड में दिन कितना सुकून भरा, शांत सा, प्यारा सा लग रहा है, नहीं? और ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा है कि। हेलो, मैं विशाल का जीव पेपा हूँ। विशाल का जीव। विशाल जीव। पेपा और जॉर्ज कल्पना कर रहे हैं कि वे ब्लॉक वाली नकली दुनिया के विशाल का जीव है। हेलो पंछियों, हेलो बादलों। हमारी गेंद उस ऊंचे से पेड़ पे फंस गई है। हम इसमें तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हम विशाल का एक जीव है। सावधान जॉर्ज। ये लो गेंद सूजी। विशाल काय पेपा और विशाल काय जॉर्ज को टॉयलैंड में अपने दोस्तों की मदद करना अच्छा लगता है। वे बस में चढ़ने में यात्रियों की मदद करते हैं। और नावों को काफी तेजी से आगे ले जाने में मदद करते हैं। पुल है जो तुमने पहले तोड़ा था। कोई बात नहीं, हम इसे ठीक कर सकते हैं। पेपा और जॉर्ज ब्लॉक वाले खिलौने ठीक करने में माहिर हैं। वे खिलौने वाले पुल को कुछ ही देर में ठीक कर देते हैं। धन्यवाद विशालकाय पेपा और विशालकाय जॉर्ज। रुको, मेरा मतलब है जाओ। भूख लगी है। विशालकाय पेपा और विशालकाय जॉर्ज के लिए टॉयलैंड का खाना काफी छोटा पड़ता है। डिनर का समय हो गया, तो इन्हें इसके बदले असली खाना ही खाना होगा। सावधान जॉर्ज। पेट्रो पोनी, कैंडी कैट, मैंडी माउस, जेरल जेरल और डैनी डॉग फुटबॉल खेल रहे हैं। देखो मम्मी, मेरे दोस्त फुटबॉल खेल रहे हैं। हेलो पापा, क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं। सबसे अच्छा स्कोर पाने वाले को ट्रॉफी मिलेगी। वाओ, पापा को चमचमाती हुई ट्रॉफीज पसंद है। पापा, क्या तुम हमारी टीम में आना चाहोगी?
नहीं थैंक यू, मैं अकेले ही खेलूंगी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अकेले खेलना चाहिए पापा। पर अकेले खेलूंगी तो ट्रॉफी पूरी मेरी होगी। सारे एक तरफ है और पापा उनसे अकेले खेलने जा रही है। अरे नहीं, अच्छी कोशिश थी पापा, एक बार और करो। मुझे और जोर से किक करना चाहिए। लगभग कर ही लिया। बस अब करने ही वाली हो। शायद मेरे दूसरे पैर से हो जाए। तुम्हें अपने बॉल से स्कोर करना है, जूते से नहीं। ये कितना मुश्किल है। तो फिर क्यों ना तुम गोल करो। अच्छा आइडिया है मम्मी, मैं एक शानदार गोल करने वाली बनूंगी। गोल! ये! मम्मी वो गोल कर पा रहे हैं पर मैं क्यों नहीं। पापा ऐसा इसलिए क्योंकि फुटबॉल टीम वर्क है, और सबसे पहली बात, अगर तुम्हारे पास टीम ही नहीं तो तुम टीम में खेलोगी कैसे। क्या मैं आप लोगों की टीम में आ सकती हूँ प्लीज। बिल्कुल तुम आ सकती हो, हमारे पास एक शर्ट भी बची है, ये रही तुम्हारे लिए। हुरे! लेकिन गोल के लिए कौन खेलेगा। मैं खेलूंगी, बस कोशिश करके इसे मेरे पास तक लाओ। पेड्रो तुमने गोल कर दिया तो ये ट्रॉफी तुम्हें मिलती है। ओह, लेकिन हमने एक साथ मिलकर गोल किया है पापा, एक टीम की तरह। सही बात है, ट्रॉफी तुम सबको मिलेगी। आज पापा और उसकी फैमिली लंदन आए हैं देखने सुपर पोटैटो द म्यूजिकल। अरे बाप रे, हमें जल्दी चलना चाहिए वरना हम शो की शुरुआत मिस कर देंगे। ओहो, हम सब भीग जाएंगे। परेशान मत हो, हम चलने के बजाय अंडरग्राउंड ट्रेन ले सकते हैं। अंडरग्राउंड ट्रेन जमीन के नीचे चलती है, जमीन के नीचे बारिश नहीं होती। यहाँ पर रंगीन मैप दिया गया है जिसे पता चलता है कि सभी ट्रेन कहाँ जाती है। ये स्पगेटी जैसा लगता है। तो हम अभी यहाँ है और हमें जाना है यहाँ। हम पहले नीली ट्रेन ले सकते हैं और उसके बाद लाल ट्रेन लेते हैं। हाँ, बहुत खूब पापा, चलो चले। सबसे पहले पापा को टिकट बैरियर से अपना टिकट चेक करवाना होगा। शुक्रिया टिकट रोबोट, मैं फंस गई हूँ। वही रुको पापा, मैं तुम्हें निकालती हूँ। शुक्रिया मिस रैबिट। इस तरफ पापा, सभी नीली लाइन को फॉलो करो। मैं भी अटक गया हूँ। ट्रेन एक बहुत ही अंधेरी सुरंग से प्लेटफॉर्म पर आ रही है। ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ है। सभी जल्दी में क्यों है। ये सब जल्दी में है, अंडरग्राउंड ट्रेन में सभी लोग जल्दी में ही रहते हैं। चलो चलते हैं, संभल कर कदम रखना। सभी को हेलो, लो ट्रेन में आपका स्वागत है, दरवाजे पे ध्यान दें। रुको पापा, अंडरग्राउंड ट्रेन काफी हिलती डुलती है। आपके बाई ओर अंडरग्राउंड देखेंगे और आपके दाई ओर आप और भी ज्यादा अंडरग्राउंड देखेंगे। लाल ट्रेन के लिए आप यहाँ उतरें। लाल ट्रेन आ गए हम। अपना कदम आगे रखो जॉर्ज। सभी कसकर पकड़ो। हम यहाँ
हम यहाँ हैं। शो तो कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाएगा, शायद हम शुरुआत मिस कर देंगे। बिल्कुल नहीं, मेरे पीछे आओ, मैं आपको सुपर पोटैटो द म्यूजिकल के लिए टाइम पे पहुंचाऊंगा, वरना मेरा नाम नहीं सुपर पोटैटो। बड़ा सेलिब्रिटी आ रहा है, बड़े स्टार के लिए रास्ता बनाओ। थैंक यू, आज किसी को ऑटोग्राफ नहीं दे पाऊंगा। सुपर पोटैटो भी जल्दी में है, अंडरग्राउंड ट्रेन में सभी लोग जल्दी में है। आज पेपा और उसकी फैमिली आर्केड जा रही है। बहुत खूब, तुम्हें मिला है हाई स्कोर। ऐसा इसलिए है क्योंकि पेपा और मैं इन सभी खेलों में माहिर हैं। इन सभी टोकन्स को देखो पेपा, यदि ऐसे बहुत सारे इकट्ठा कर लिए तो इनके बदले तुम्हें बड़ा सा इनाम मिल सकता है। बहुत खूब, एक इनाम। देखो इतने सारे टोकन्स। क्या हम उस खेल को और ज्यादा खेल सकते हैं? क्यों नहीं पेपा। मम्मी पिग पेपा को कैरेट बॉब खेलना सिखा रही है। जब भी वे पॉप अप करते हैं तो वो कैरेट को मारती है। क्या तुम दोनों करना चाहोगी? हाँ जरूर। जोर से मारो, जोर से मारो, जोर से मारो। और ज्यादा टोकन? क्या इसका मतलब है कि हम वाकई बड़ा इनाम पा सकते हैं डैडी? डैडी? डैडी पिग डांसिंग गेम खेल रहे हैं। डैडी पिग को डांस करना बहुत पसंद है। जानते हो, मैं तो डांस में बहुत माहिर हूँ। तुम्हारी बारी पेपा। वाह! ओह, मजेदार था। लेकिन क्या कोई ऐसा खेल है जिसे हम मिलकर खेल सकते हैं? हाँ, एक खेल है। पेपा और उसकी फैमिली गुब्बारे वाला खेल खेल रहे हैं। जो पहले अपने गुब्बारे में पानी भरेगा वो जीत जाएगा। क्या हमें एक और हाई स्कोर मिला? हाँ, तुम्हें इतना हाई स्कोर मिला है कि तुमने जीत लिया है जैकपॉट। अब अपने सारे टोकन्स को ट्रीट करके तुम्हें मिलेगा बड़ा सा इनाम। अरे वाह, चलो चलते हैं। हेलो अगेन पेपा। यह हमारे सभी टोकन है, क्या हमें हमारा इनाम मिल सकता है? बिल्कुल, इन सारे टोकन से तुम पा सकती हो एक अनोखा, बिल्कुल खास, अलग तरह का इनाम। पेंसिल। अरे वाह, पेंसिल। पेपा को आर्केड में अपनी फैमिली के साथ ढेर सारे टोकन्स जीतना अच्छा लगता है, और पेपा को अपनी नई पेंसिल वाकई बहुत अच्छी लगती है। ग्रैंडपा, जॉर्ज, आप कहाँ हो? आज पेपा जॉर्ज और ग्रैंडपा पिग के साथ बगीचे में खेल रही है। वो शोर कैसा है? आपको ढूंढ लिया। पेपा को जॉर्ज और ग्रैंडपा पिग एक झाड़ी में मिलते हैं। बहुत आरामदायक लग रहा है। हाँ, मुझे बचपन वाले बगीचे की मांद की याद आ गई। क्या हम बगीचे में मांद बना सकते हैं ग्रैंडपा? हाँ, बेशक। अरे वाह! बगीचे को मांद बनाने के लिए सभी ने बागवानी वाले खास दस्ताने और जूते पहने हुए हैं। पहले हमें इन स्पेड से गड्ढा खोदना होगा और खूब सारी लकड़ी और टहनियां लानी होगी। पेपा को ग्रैंडपा पिग के साथ गड्ढा खोदना बहुत अच्छा लगता है। शाबाश पेपा। और जॉर्ज को टहनियां इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है काफी टहनियां हो गई है, शाबाश जॉर्ज। अब ग्रैंडपा पिग छेद में टहनियों को ठोक रहे हैं। सभी पीछे खड़े हो जाओ।
अंत में ग्रैंडपा पिग लकड़ी से छत बनाते हैं और पेपा और जॉर्ज ढेर सारे पत्तों से छत को ढक देते हैं। हमें पत्ते क्यों चाहिए ग्रैंडपा? उनसे मांद अच्छी और गर्म रहती है, सुरक्षित और बढ़िया लग रही है। शाबाश। अरे वाह। अंदर जाने से पहले हमें इसकी जरूरत पड़ेगी पेपा। ग्रैंडपा पिग ने पेपा को एक खास बैकपैक दिया है। सभी अपनी नई बगीचे वाली मांद में बहुत खुश है। ग्रैंडपा, हम बगीचे के मांद में क्या करते हैं? मांद में मेरा पसंदीदा काम है पिकनिक मनाना। खास बैकपैक बगीचे के फलों से भरा हुआ है। पेपा और जॉर्ज को गार्डन डेन में पिकनिक मनाना बहुत अच्छा लगता है। पेपा, जॉर्ज, तुम कहाँ हो? डिनर का समय हो गया है, लेकिन डिनर जल गया है। अरे बाप रे, क्या हम अभी भी इसे खा सकते हैं? मुझे लगता है कि हमें टेक अवे से खुद को दावत देनी चाहिए। हम चुनते हैं कि हमें कैसा खाना पसंद है और ये हमारे घर तक डिलीवर किया जाता है। यहाँ चाइनीज टेक अवे है, इंडियन टेक अवे है और सुशी है। क्या हम इसे मंगवा सकते हैं? पेपा चाइनीज टेक अवे ऑर्डर करना चाहती है। चलो ये ले और ये, और भूलना नहीं वो खास सरप्राइज। पेपा और उसकी फैमिली ने खूब सारा जायकेदार खाना ऑर्डर किया है। ये, ये। अब क्या होगा? वैसे पहले रेस्टोरेंट को खाना बनाना पड़ता है और फिर वो उसे डिलीवर करते हैं। ओह, लेकिन वो कैसे जानेंगे कि हम कहाँ रहते हैं? जब हमने टेक अवे ऑर्डर कर दिया तब मैंने उन्हें अपना पता दिया था। लेकिन ये यहाँ कैसे पहुँचेगा? मिस रैबिट इसे अपनी बाइक पर लाएंगी। ओ, देखो वो बस पहुँचने वाली है। चलते हैं और उन्हें ढूंढते हैं। पेपा और जॉर्ज गलत दरवाजे पर चले गए हैं। ये रहा तुम्हारा टेक अवे पेपा, उम्मीद है तुम्हें अच्छा लगेगा। शुक्रिया। मैं चलती हूँ, बहुत सारा खाना डिलीवर कर दिया। चावल, नूडल्स, वेजिटेबल रोल्स, और उसके बाद मिलेगा एक खास सरप्राइज। पेपा और जॉर्ज नहीं जानते कि ये खास सरप्राइज क्या है। मुझे चावल बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मुझे अपने मसालेदार नूडल्स पसंद है, ये मेरे फेवरेट है। वो मेरे पसंदीदा भी हो सकते हैं। क्या मैं थोड़ी सी ट्राई कर सकती हूँ? पर पहले थोड़ा सा लेना। मुझे नूडल्स बहुत पसंद है। ओह, लेकिन वो थोड़ी सी तीखे लग रहे हैं। पेपा को मसालेदार नूडल्स ज्यादा पसंद नहीं आए। ये लो वेजिटेबल स्प्रिंग रोल ट्राई करो। वेजिटेबल स्प्रिंग रोल मेरे पसंदीदा है। पेपा और उसकी फैमिली ने अपना चाइनीज टेक अवे खत्म कर लिया है। क्या अब तुम खास सरप्राइज के लिए तैयार हो? अरे इन्हें कहते हैं फॉर्च्यून कुकीज। इनके अंदर होता है गुड लक लाने वाला एक खास मैसेज। इस गुड लक का स्वाद लाजवाब है। पेपा को चाइनीज टेक अवे बहुत पसंद है। सभी को चाइनीज टेक अवे बहुत पसंद है। समंदर के किनारे एडवेंचर के लिए कौन कौन तैयार है? पेपा और उसकी फैमिली आज के दिन बाहर जा रहे हैं। अरे रे, मुझे लगता है कि मैं कार में पेट्रोल डालना भूल गई। कोई बात नहीं, चलो बीच पर ट्रेन से चलते हैं। पेपा और उसकी फैमिली समंदर के किनारे जाने के लिए ट्रेन ले रहे हैं। हाँ,
टिकट दिखाइए। हम समंदर के किनारे जा रहे हैं और मम्मी कार में पेट्रोल डलवाना भूल गई। कितना रोमांचक है, मुझे समंदर का किनारा पसंद है। मुझे लगता है कि लंच का समय हो गया है पापा, चलो खाने के डिब्बे की ओर चलें। डैडी पिग और पापा ट्रेन में खाने वाले डिब्बे तक जा रहे हैं। ट्रेन काफी हिलडुल रही है। ये डिब्बा उन यात्रियों के लिए है जो सोना चाहते हैं। ये डिब्बा जरूर उन लोगों के लिए होगा जो ट्रेन में खेलना चाहते हैं। वाह, हाय डैनी, हाय जेरिन। ये शायद सिनेमा वाला डिब्बा होना चाहिए। माफ कीजिएगा। पेपा और डैडी पिग को खाने वाला डिब्बा मिल गया है। ये जरूर उन लोगों का डिब्बा है जो लंच करना चाहते हैं। क्या ये गड़गड़ाहट आपके पेट में हो रही है डैडी? मुझे अफसोस है कि ट्रेन खराब हो गई है। अरे रे, अब हमें बस लेनी होगी। अब पेपा की फैमिली समंदर के किनारे जाने के लिए बस पकड़ने का इंतजार कर रही है। सब चढ़ जाएं। अगला स्टॉप समंदर का किनारा। बस खराब हो गई है। मुझे लगता है फिर से कोई पेट्रोल डलवाना भूल गया। अब हम समंदर के किनारे कैसे जाएंगे? क्यों ना हम पैदल चलें? समंदर का किनारा बस पहाड़ी के नीचे ही है। ये समंदर के किनारे की सबसे अच्छी ट्रिप थी। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम घर वापस कैसे जाएंगे। आज पेपा को उस समय का वीडियो मिला है जब वो छोटी बच्ची थी। मैं बहुत शोर शराबा करने वाली बच्ची थी, है ना डैडी? हाँ, कभी कभी सारे बच्चे ऐसा करते हैं। ये तब का होगा जब मैं प्रेग्नेंट थी और जॉर्ज पेट में था। प्रेग्नेंट? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये उस समय मेरे पेट में था। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। क्या कर रही हो पापा? देखिए, अब मेरे पेट में भी एक बेबी है। बहुत अच्छे पापा। अब जिनके पेट में बेबी होता है वो लोग क्या करते हैं? मुझे खूब सारी मजेदार इच्छाएं होती थी जो तब होती है जब आप वाकई कुछ खास खाना चाहते हैं। वाह, पेपा भी मजेदार इच्छाएं दिखाने का फैसला करती है। मैं भी वाकई खाना चाहती हूँ स्पगेटी। पेपा को लगता है कि खाने की इच्छाएं तो जायकेदार है। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था। जब आपके पेट में बेबी था तो और क्या क्या होता था मम्मी? वैसे मैं काफी थक जाती थी तो भले लोग मुझे अपनी सीट ऑफर करते थे ताकि मैं जरूरत पड़ने पर बैठ सकूं। हेलो पापा। मेरे पेट में एक बेबी है और मैं बहुत थक गई हूँ, तो आपको मुझे अपनी कुर्सी देनी होगी प्लीज डैडी। अच्छा, ये लो। और जब कभी मेरे पैरों में दर्द होता था तो डैडी पिग मेरे पैरों की मालिश करते थे। पापा को पैर की मालिश का आइडिया अच्छा लगा। डैडी, मेरे पैर में दर्द है तो मुझे पैर की मालिश करवानी है प्लीज। ओह अच्छा, ये लो अभी करता हूँ। डैडी पिग की पैर की मालिश कम और गुदगुदी ज्यादा लगती है। ओह वैसे एक और चीज हुई थी जब मम्मी पिग प्रेग्नेंट थी। वो क्या थी? आखिरकार नन्हा सा बेबी आया।
आंटी पिग बेबी अलेक्जेंडर के साथ मिलने आई है। हाय बेबी अलेक्जेंडर, मैं ऐसा नाटक कर रही थी कि मेरे पेट में बेबी है। अब हम ऐसे दिखाएंगे जैसे वो बेबी तुम हो। वैसे असली बेबीज काफी शोर करते हैं, तो मुझे लगता है मैं इसकी जगह कुशन रख लेती हूँ। पेपा और उसकी फैमिली सिनेमा घर में फिल्म देख रहे हैं। मम्मी, मुझे टॉयलेट जाना होगा। ठीक है पेपा, एक बाहर ही है, वहाँ चलते हैं। सुनो, पेपा और मैं टॉयलेट होकर आते हैं। टॉयलेट, बढ़िया आइडिया है। अरे रे, टॉयलेट तो सफाई के लिए बंद किया गया है। लेकिन मुझे जल्दी जाना है। सड़क के उस पार एक पब्लिक टॉयलेट है, सारे मेरे पीछे पीछे आओ। डाइनोसॉर। पेपा और उसकी फैमिली को टॉयलेट मिल गया है। ये रहा टॉयलेट पेपा, कतार में खड़ी हो जाओ। माफ कीजिए, कतार यहाँ से नहीं, शुरू होती है वहाँ से। लेकिन टॉयलेट के लिए कतार बहुत बहुत लंबी है। मुझे नहीं लगता मैं इतनी देर रुक पाऊंगी। सुपरमार्केट में एक टॉयलेट है, चलो वहाँ देखते हैं। पेपा, मम्मी पिग, डैडी पिग और जॉर्ज हर जगह टॉयलेट की तलाश करते हैं। वे सुपरमार्केट में ट्राई करते हैं। वे जू में भी ट्राई करते हैं। सॉरी पेपा, ये टॉयलेट खराब है। यहाँ तक कि वे टॉयलेट शॉप भी ट्राई करते हैं। सॉरी, लेकिन ये सभी टॉयलेट सिर्फ देखने के लिए ही है। यहाँ कहीं भी कोई टॉयलेट नहीं है। अरे रे, अब मुझे भी टॉयलेट जाना है। मुझे भी। देखो, सिनेमा घर का टॉयलेट फिर से खुल गया। वाह! आखिरकार पेपा और उसकी फैमिली फिल्म देखने वापस आ गए। डाइनोसॉर। लेकिन अब फिल्म खत्म हो गई है। ऐसा लगता है कि हमें ये शुरू से देखनी होगी। अब भी बता दो, किसी को टॉयलेट जाना है? आज पेपा और उसके दोस्त वाटर पार्क में हैं। हेलो बच्चों। हेलो मिस रैबिट। आप लोग स्विमिंग जाओ, इसके पहले मैं आपको कुछ जरूरी नियम सिखाना चाहूंगी। मिस रैबिट सभी को स्विमिंग पूल में सुरक्षित रहने के तरीके बता रही है। पहला नियम है, कोई छींटाकशी नहीं। छींटाकशी ना करें मिस्टर बोल। ओह, सॉरी पेपा, सॉरी मिस रैबिट। कोई बात नहीं मिस्टर बोल। दूसरा नियम है, कोई दौड़ा भागी नहीं। बुरी बात मिस्टर बुल, दौड़ा भागी नहीं। फिर से सॉरी। मिस्टर बुल को कोई भी नियम नहीं पता। और आखिरी नियम है, सभी शानदार समय बिताएं। आपका समय शानदार बीते मिस्टर बुल। सही कहा पेपा। पूल के मजे लो बच्चों। हम सबसे पहले क्या करें? चलो वाटर स्लाइड्स पे चलते हैं। हुरे!
सभी वाटर स्लाइड राइड के लिए काफी जोश में है। हेलो फिर से, कौन स्लाइड से नीचे जाना चाहता है? मैं। तुम लकी हो, हर एक के लिए एक एक स्लाइड है। चलो रेस करते हैं। बढ़िया आइडिया, लकी हो कि मैं झंडा लाई हूँ। ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो। और डैनी डॉग सबसे आगे, साथ साथ है पेपा, उसके बाद जिरल जिराफ और सूजी शीप पीछे आती हुई। कोई भी जीत सकता है वाटर स्लाइड रेसिंग अपने बेहतरीन पड़ाव पर। हेलो ग्रैनी। हेलो मिस्टर बॉय। वो करीब करीब फिनिश लाइन पर है, ये कांटे की टक्कर है, कौन करेगा टॉप? ये टाई हो गई, सभी जीत गए। पेपा और उसके दोस्तों को स्लाइड बहुत पसंद आई, लेकिन वाटर पार्क का पहला नियम वो भूल गए हैं। कोई छीना किसी नहीं। पेपा पिग की कहानियाँ। लगभग कर ही लिया था। पेपा पिनियाटा को खोलने की और अंदर से चीजें निकालने की भरपूर कोशिश कर रही है, क्योंकि आज पेपा का प्ले ग्रुप एक मेक्सिकन छुट्टी के बारे में सीख रहा है, जिसका नाम है सिंको डे मायो। अरे बच्चों, क्लासरूम को थोड़ा और खुशनुमा बनाने के लिए हमें और ज्यादा सजावट करनी होगी, तो चलो पॉम पॉम फूल बनाते हैं। पॉम पॉम, मैं, मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा। पॉम 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 पॉम। बस कार्डबोर्ड की टहनी को टिश्यू पेपर की बॉल के बीच में लगा दो और हो गया। मैं ये फूल बना नहीं पा रही। मैं मदद करती हूँ। ये तो काफी मुश्किल है। ओह डियर। सभी ने बहुत सारे पॉम पॉम फूल बनाए हैं। हमने ज्यादा तो नहीं बना दिए। बिल्कुल नहीं। अब हमारा क्लासरूम है बहुत ज्यादा खुशनुमा। अगली चीज हम बनाने वाले हैं स्वादिष्ट गुआकामोल। गुआकामोल? गुआकामोल, ये मेक्सिकन ट्रीट बनती है एवोकाडो से, और हम इसे गाजर या ककड़ी या टोर्टियाज नाम की खास क्रिस्प के साथ खाते हैं। गुआकामोल। मैडम गजेल एवोकाडो छील रही है और कटोरे में थोड़ा सा नींबू का रस और नमक मिला रही है। अब हमें इनको एक साथ मसलना होगा। गुआकामोल। क्या कोई थोड़ा सा गुआकामोल चखना चाहेगा? हाँ प्लीज। स्वादिष्ट। यम्मी गुआकामोल, यम्मी गुआकामोल। बढ़िया पेपा, सिंको डे मायो का जश्न मनाने का एक और तरीका है गाना गाना। यम्मी गुआकामोल, यम्मी गुआकामोल, यम्मी गुआकामोल। और डांस करना एक खास हिस्सा है सिंको डे मायो का। पेपा ने पिन्याटा पर निशाना लगाया और खूब सारी मिठाइयाँ बरसने लगी। पेपा अपने पहले सिंको डे मायो के मजे ले रही है और उसे डांस करने में बहुत मजा। पेपा और उसकी फैमिली कार में बाहर जा रही है, पर उन्हें थोड़ी मुश्किल आ रही है। अरे बाप रे, कार स्टार्ट ही नहीं हो रही। आपकी गाड़ी बिगड़ गई है। परेशान ना हो, मैं आपको गैरेज ले जाऊंगा।
मैं यूं गया और यूं आया। मिस्टर बुल कार को ठीक करवाने के लिए उसे खींच कर ले जा रहे हैं। जॉर्ज और पेपा को खींचा जाना पसंद है। अरे रे, समझ गया। सुनिए, हम इसे ठीक कर सकते हैं। अच्छा। पर हमें नया पुर्जा मंगवाना पड़ेगा और ये काम ना ही आसान है ना ही सस्ता। अरे रे, इसमें कितना समय लगेगा? जितना टाइम लगना है उतना तो लगेगा ही। लेकिन मैं काम पर कैसे जाऊं? जब तक आपकी गाड़ी ठीक हो रही है आप कोई भी गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए मेरे साथ, गैरेज में काफी एक्स्ट्रा कार्स हैं। अपनी मनपसंद चुन लीजिए। ओह, एक मोटर बाइक, ये तो बेहतरीन है। चलो इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं। डैडी पिग को मोटर बाइक चलाना अच्छा लगता है। हेलो। लेकिन मोटर बाइक पर आप बारिश में भीग जाते हैं। शायद हमें कोई और जबरदस्त चीज चाहिए। चलिए इसे आजमाते हैं। पेपा को एक मॉन्स्टर ट्रक मिला है जो बहुत जबरदस्त है। मुझे लगता है कि यह मॉन्स्टर ट्रक हमारी जरूरत से कुछ ज्यादा ही जबरदस्त चीज है। माफ कीजिएगा, किसी अच्छी और बड़ी चीज के बारे में क्या ख्याल है? जैसे बस। मम्मी पिग को बस बहुत पसंद है। ये बस कितनी बड़ी है और कितनी शांति है यहाँ। अरे रे, लेकिन सभी को लगता है कि ये असली बस है। पेपा और उसकी फैमिली के पास अब एक ही कार बची है ट्राई करने के लिए। इससे बदबू आ रही है क्योंकि ये मेरी रिसाइकल इकट्ठा करने वाली लॉरी है। माफ कीजिएगा, आप इसे नहीं ले जा सकते। मुझे नहीं लगता कि हमें हमारी कार की तरह कोई बेहतरीन कार मिल पाएगी। आप तो लकी हो, आपने नई कार चुनने में इतना समय लगाया कि हमने आपकी पुरानी कार को ही ठीक कर दिया। शुक्रिया मिस्टर बुल, शुक्रिया ग्रैंडडैड डॉग। पेपा की फैमिली को अलग अलग कार चलाना अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें अपनी फैमिली कार चलाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। सभी को मेरा हेलो, मैं पेपा द डेंटिस्ट हूँ। मैं आपके दांतों की देखभाल करने में आपकी मदद करूँगी। आज मिस रैबिट पेपा के प्ले ग्रुप में दांतों के बारे में सिखाने आई है। पेपा डेंटिस्ट होने का नाटक कर रही है। पकड़ लिया। शुक्रिया पेपा। अच्छा, अब जो तुम्हें अपने दांत मिल गए हैं, किसे किसे पता है कि हम उनकी देखभाल के लिए क्या कर सकते हैं? डेंटिस्ट के पास जाते हैं। सही बात है, डेंटिस्ट के पास पहले कौन गया है? चेरल जिराफ डेंटिस्ट के पास पहले कभी नहीं गया है। मिस रैबिट, क्या मैं चेरल को दिखा सकती हूँ कि डेंटिस्ट के पास जाना कैसा लगता है? मैं बहुत बार गई हूँ। बहुत ही बढ़िया आइडिया है। पेपा नाटक कर रही है कि वो डेंटिस्ट है और जेरल मरीज है। हेलो मिस्टर जेरल, कृपया इस बड़े से कुर्सी पर बैठ जाओ। शुक्रिया श्रीमती डेंटिस्ट। ये रहा आपका एप्रिन। मुझे चश्मा क्यों पहनना पड़ेगा श्रीमती पेपा? इस जोरदार रोशनी की वजह से। ऐसे बड़ा समूह खोलो ताकि मैं तुम्हारे दांत देख पाऊँ। पेपा टॉर्च से जेरल्ड के दांत देख रही है। मिस्टर जेरल्ड, आपके दांत बहुत अच्छे हैं, इसलिए आपको एक स्टिकर मिलता है। शुक्रिया। अरे वाह, बहुत खूब पेपा और जेरल। क्या किसी को पता है घर पर अपने दांतों की देखभाल कैसे कर सकते हैं? हम अपने दांत ब्रश कर सकते हैं। सही बात है सूजी, ब्रश करने से दांत साफ रहते हैं। क्या हम दांतों को ब्रश करने की प्रैक्टिस करें? मिस रैबिट सभी को टूथब्रश दे रही है ताकि वे अपने दांतों पर ब्रश करने की प्रैक्टिस कर सके।
सबसे पहले हम ब्रश को गीला करते हैं। फिर हम थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाते हैं। सभी अपने टूथब्रश पर थोड़ा थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाते हैं। लेकिन कैंडी ने तो ढेर सारा ले लिया है। अब हम क्या करें क्लास? हम ब्रश करते हैं। सामने वाले दांतों पर ब्रश करो और किनारों पर भी, ऊपर और नीचे भी। बहुत अच्छा बच्चों। सभी ने आज बहुत अच्छा काम किया, इसलिए सभी को मिलते हैं स्टिकर्स। पेपा को डेंटिस्ट का नाटक करना अच्छा लगता है और पेपा को स्टिकर बहुत अच्छे लगते हैं। आज पेपा का प्ले ग्रुप झील की यात्रा पर है। वे नाव चलाने जा रहे हैं। माफ करना। हेलो मिस रैबिट। हेलो, क्या तुम लोग आज नाव चलाने के लिए तैयार हो? चप्पू वाली नावें वहाँ पर है। चले चले। अरे वाह। अरे वाह। सभी ने नावों पर सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट और हेलमेट पहना हुआ है। लग रहा है आप सब जाने के लिए तैयार है। पेपा, सूजी और पेड्रो, तुम लोग चप्पू वाली लाल नाव में होगे मेरे और ग्रैम्पी रैबिट के साथ। और मैंडी, एमिली और डैनी चप्पू वाली नीली नाव में होंगे मेरे और कैप्टन डॉग के साथ। नाव को चलाने के लिए तुम लोगों को खास छड़ी को पानी में डालना होगा, जिसे चप्पू कहते हैं, और उसे खींचना होगा इस तरह। बड़े चलो। अब तुम कोशिश करो। सभी खुद नाव चलाने के लिए काफी जोश में हैं, लेकिन कोई साथ मिलकर काम नहीं कर रहा है। मिस कैप्टन रैबिट, नाव क्यों नहीं चल रही? हम सभी को एक साथ नाव चलानी होगी इस तरह। जब मैं कहूँ आगे बढ़ो तो आगे जोर दो, और जब मैं कहूँ हो तो पीछे खींचो। चलो हम सब मिलकर कोशिश करें। आगे बढ़ो। बहुत अच्छे। अरे वाह। आगे। नाव पानी के साथ साथ चल रही है। सभी एक टीम की तरह मिलकर काम कर रहे हैं। बढ़ो। आगे बढ़ो। सभी को अपनी अपनी नाव चलाने में खूब मजा आ रहा है, लेकिन अब घर जाने का समय हो गया है। अब नाव को वापस किनारे लाने का समय आ गया है। बच्चों, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें लेने आए हैं। क्या हम रेस लगा सकते हैं? ये तो गजब का आइडिया है मैंडी। क्या सब तैयार है? तैयार है। On your marks, get set, go! सभी अपनी नाव तेजी से किनारे की ओर चला रहे हैं। पेपा अपने दोस्तों को एक टीम की तरह चप्पू चलाने में मदद कर रही है। आगे बढ़ो, चलते रहो, विश्वास करो। लगभग पहुंच गए। चलो। ये टक्कर का मुकाबला था। बहुत बढ़िया बच्चों। सभी को नाव चलाना अच्छा लगता है और सभी को टीम की तरह काम करना बहुत अच्छा लगता है। एक सुपर स्ट्राइक सुपर बॉलर के लिए। आज सूजी शीप एक बोलिंग पार्टी कर रही है। मैं भी सुपर स्ट्राइक लेना चाहती हूँ। मुझे पता है कैसे करना है, मैं कई बार बोलिंग कर चुकी हूँ। फिर तुम सबको बताओगे इसे कैसे करते हैं पेपा? ठीक है, हमें स्कोरबोर्ड के लिए अपनी तस्वीरें लेने चाहिए। बस कैमरे के सामने आओ और कहो चीज। बढ़िया, ये है आपकी बोलिंग लेन। अब बोलिंग करने के लिए बॉल चुने, फिर उसे सीधे आगे फेंके, ऐसे। मैं भी कोशिश
कोशिश करने वाली हूँ। मुझे पसंद आया ये वाला। गुलाबी गेंद काफी भारी है। इसकी जगह इसे आजमाओ, ये हल्की है। अरे बाप रे, किसने अपनी बॉल घुमा दी? अरे नहीं, अब मैं कोशिश करता हूँ। पेड्रो पोनी की बॉल लेन के बगल वाले गटर में चली गई है। अरे रे, मेरी बारी। सूजी शीप, पेड्रो पोनी और जेरल जिराफ को अभी तक समझ नहीं आया कि बोलिंग कैसे करनी है। परेशान मत हो, हमें खेलने के लिए और अच्छा तरीका खोजना होगा। तुम लोग बैरियर के साथ कोशिश क्यों नहीं करते? ये खेलने का एक मजेदार तरीका है। लेकिन मैं अपनी बॉलिंग बॉल को उछालना नहीं चाहता। कोई बात नहीं, बॉल को एक सीधी लाइन में जाने के लिए तुम रैक का इस्तेमाल कर सकते हो। ये मजेदार है। पेपा और उसके दोस्त अपने तरीके से बॉलिंग करके काफी मजे ले रहे हैं। पर सूजी शीप अब भी सुपर स्ट्राइक करना चाहती है। ठीक है बच्चों, ये आपकी आखिरी बॉल है। गुड लक। इसे देखो। सूजी शीप पीछे से बॉलिंग कर रही है। एक सुपर स्ट्राइक सुपर बॉलर के लिए। सूजी शीप ने सुपर स्ट्राइक की है। सूजी शीप को बॉलिंग बहुत पसंद है। सभी को बॉलिंग बहुत पसंद है। आज पेपा और उसकी फैमिली म्यूजियम में है। देखो जॉर्ज, इस डायनासोर की एक बहन, एक मम्मी और एक डैडी है। ये तो डायनासोर की पूरी फैमिली है। पेपा को म्यूजियम पसंद आया, लेकिन अब वो बंद हो चुका है। आने के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे। लेकिन मैं जाना नहीं चाहती। हमें जाने की जरूरत नहीं है पेपा, आज रात हम सब यहीं सोएंगे, यहाँ म्यूजियम में। आज की रात हमें पहली चीज क्या करनी चाहिए? चलो आधी रात की दावत करते हैं। यम यम, सब लोग शुरू हो जाओ। ये संतरा तो काफी सख्त है। आधी रात की दावत का सारा खाना तो प्लास्टिक से बना है। अब अगली चीज क्या करे पेपा? पेपा? मम्मी पिग को पेपा कहीं दिख नहीं रही है। मैं यहाँ हूँ। मैं एक लुटेरा हूँ। मैं एक लुटेरा हूँ। लुटेरा। और मैं एक लुटेरा हूँ। मेरा मतलब है एक ऊनी बालों वाला बड़ा जीव। सभी को ऊनी बालों वाले बड़े जीव से दूर भागकर मजा आ रहा है। लेकिन अब इस भाग दौड़ की वजह से सब थक चुके हैं। मुझे लगता है हमें अभी सोना चाहिए। चलो सोने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढते हैं। सभी को गुड नाइट। अब सुबह हो चुकी है और खूब सारे लोग म्यूजियम में आ चुके हैं। जरा इन लुटेरों को तो देखिए ग्रैंडडैड। कितना शानदार जीव है। ऐसा लगता है जैसे इनमें सच में जान है। सभी को लगता है कि पेपा और उसकी फैमिली म्यूजियम का हिस्सा है। क्या हो रहा है? ये कोई लुटेरा नहीं, ये तो
पेपा है। अरे रे, ऐसा लगता है कि हम म्यूजियम में सिर्फ सोए नहीं, जरूरत से ज्यादा ही सो गए। चलिए ना, बस पटाखे अभी चलने ही जा रहे हैं। बॉनफायर की रात है और पेपा काफी जोश में है। उसे बॉनफायर बेहद सुंदर लगते हैं। हाय पेपा, तुम बिल्कुल ठीक समय पर आई हो। पटाखे चलना शुरू होंगे। 5, 4, 3, 2, 1। ये पटाखे तो काफी ऊपर जा रहे हैं। पेपा को लगता है पटाखों से काफी शोर होता है। पटाखे वाकई बहुत आवाज करते हैं दादाजी। ओ बच्चे, क्यों ना हम कुछ और पीछे जाएं? उनसे दूर जाने पर ज्यादा शांति मिलेगी। हम पीछे जा रहे हैं जहाँ पटाखों की आवाज इतनी जोर से ना आए। अच्छा विचार है, हम भी आएंगे साथ में। निकलने दीजिए प्लीज। हम फिर से आ गए, सॉरी। क्या अब ठीक है पेपा? हाँ, शुक्रिया डैनी। बढ़िया, अब हम सब पटाखों के नजारों का मजा ले सकते हैं। इनमें कितने सारे रंग हैं? लाल और नीले और हरे और पीले। पेपा को पटाखों को देखकर बहुत मजा आ रहा है। और अब समय आ गया है जबरदस्त पटाखों का। सभी अपना दिल थाम लें। जबरदस्त मतलब और जोरदार आवाज वाले। अरे बाप रे, अब हम क्या करें? हम अब और पीछे नहीं जा सकते, हमें घर भी तो जाना है ना। लेकिन मुझे पटाखे देखने हैं, मुझे उनकी आवाज बिल्कुल नहीं सुननी। ओहो, मुझे पता है। कभी कभी ना, मेरे दादाजी भी वाकई काफी जोर से बोलते हैं, तो मैं ये इस्तेमाल करता हूँ। हेडफोन्स? हाँ, ये आपके कानों को ढक देते हैं और तेज आवाज धीमी लगने लगती है। क्या तुम्हें ये आजमाना है? वाओ, ये तो काफी बेहतर है। शुक्रिया डैनी। चिल्लाने की जरूरत नहीं है पापा। हमें पटाखों की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही। वो कार वाकई कितनी तेजी से गई है। चिंता मत करो, इसी वजह से जरूरी है रुकना, इधर उधर देखना, सुनना और सड़क पार करने से पहले हमेशा ग्रीन मैन का इंतजार करना। द ग्रीन मैन। बच्चों, आपको याद है ना कि हमने क्या सीखा था? रुको, इधर उधर देखो और सुनो। सब ठीक है, कोई कार नहीं है। चलो चलते हैं, अब पार करना सुरक्षित है। हेलो डैडी। हेलो पेपा, पेपा का प्ले ग्रुप। हेलो डैडी पिग। ओह हरी बत्ती, चलो मैं आप लोगों से बाद में मिलता हूँ। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया पुलिस ऑफिसर पांडा। दिन भर का यही काम है। पेपा पुलिस ऑफिसर पांडा की मदद कर रही है ताकि सभी सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। नहीं नहीं नहीं, एमिली तुम्हें सड़क पर अपने ही साइड पर रहना होगा। सॉरी पेपा, मेरा पहिया फंस गया है। हम तुम्हारी मदद करते हैं। सड़क को कार और लोगों के लिए सुरक्षित बनाते हैं। पेड्रो ने ध्यान नहीं दिया कि ग्रीन मैन रेड हो गया है। पेड्रो, रेड मैन का मतलब है रुको, चलो मत।
शुक्रिया पेपा। दिन भर का यही काम है। अरे वो देखो, फ्रेडी ने लुटेरे वाले कपड़े पहने हैं। हमें लुटेरे को पकड़ना होगा। लाल बत्ती का मतलब है रुको। ये रहा, यहाँ। हमने अब उसे पकड़ लिया है। फ्रेडी, क्या तुम लुटेरे हो जो तुमने लुटेरे वाले कपड़े पहने हैं? नहीं, मुझे धारीदार कपड़े पसंद है। तो तुम लुटेरे नहीं हो? नहीं। ठीक है, फिर तुम जा सकते हो, लेकिन तेज रफ्तार से नहीं। ठीक है, अलविदा पेपा। बहुत बढ़िया ऑफिसर पेपा, अब सबको याद हो गया है रुकना, देखना और सुनना और तभी जाना जब वो देखते हैं। ग्रीन मैन। इसका मतलब हम जा सकते हैं। दिन भर का यही काम है ऑफिसर पांडा। पेपा को सभी की सुरक्षा करना और सभी को सुरक्षित महसूस करना अच्छा लगता है। आज पेपा के प्ले ग्रुप का स्पोर्ट्स डे है। एक पिंक टीम है और दूसरी ब्लू टीम। वो गोल्ड मेडल्स जीतने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जीतने वाली हूँ। रेबेका रैबिट को सैक रेस काफी मुश्किल लग रही है। पिंक टीम की एमिली एलिफेंट ने सैक रेस जीत ली है। हुरे! तुम काफी तेज हो। स्क्वीक! अरे नहीं, मैं हार गई। तुमने पूरी कोशिश की और हम अभी भी जीत सकते हैं। अब समय आ गया है अंडा और चम्मच रेस का। और तेज पेपा। लेकिन पेपा को तेज दौड़ते हुए अपने अंडे को संभालने में परेशानी हो रही है। थोड़ा धीरे पेपा, अंडा ना गिर जाए। ठीक है। थोड़ा धीरे डैडी। लेकिन इतना भी धीरे मत चलो। थोड़ा धीरे, थोड़ा तेज, थोड़ा धीरे, नहीं और तेज। ओह, नहीं। हमने फिर दिखाया, हमने रेस जीत ली है। वाह! दोनों टीम में टाई हो गई है। अगला गेम रिंग टॉस का है। जो टीम लकड़ी की छड़ी पर सबसे ज्यादा रिंग्स फंसाएगी वो स्पोर्ट्स डे जीत जाएगी। हर टीम को इसके लिए एक पॉइंट मिलेगा। हर टीम के लिए एक और पॉइंट। ये अब भी ड्रॉ है। रेबेका और फ्रेडी, अब तुम्हारी बारी है। अगर मैं चूक गई तो हम हार जाएंगे। जीत की परवाह मत करो, बस बेहतरीन खेलो और खूब मजे करो। हम हार गए स्क्वीक, लेकिन हमें बहुत मजा आया। तुमने सही कहा पेपा। बहुत बढ़िया पिंक टीम, आपको मिलते हैं गोल्ड मेडल्स। और ब्लू टीम भी बहुत अच्छा खेली, इसके लिए उन्हें मिलते हैं सिल्वर मेडल्स। पिंक टीम और ब्लू टीम दोनों को स्पोर्ट्स डे अच्छा लगा। सभी को स्पोर्ट्स डे अच्छा लगा। आज पेपा और उसका परिवार बतख के तालाब की ओर जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में लोहे का एक बैरियर है। माफ करना दोस्तों, रास्ता बंद है। लेकिन हम लगभग तालाब तक पहुँच ही गए हैं। मुझे डर है यहाँ काफी फिसलन होगी।
चमकीले लाल एरो वाले डाइवर्जन साइंस को देखकर चलते जाएं। आप जल्दी पहुंच जाओगे। डाइवर्जन का मतलब है कि आपको दूसरे रास्ते पर से जाना है। चलो सब चलें। जल्दी मिलेंगे बत्तख। ये रहा। पेपा को पहला चमकीला लाल एरो मिल गया है और एक और मिला। और एक और मिला। लेकिन आगे वाला निशान तो नीचे गिरा है। उठ जाओ श्रीमान निशान। किसी को नहीं पता कौन से रास्ते पर जाना है। हम दाएं जाएं या बाएं? लगता है दाएं तरफ जाना ही ठीक है। क्या हम खो गए हैं? हाँ, हम खो ही नहीं हैं। हम बस ये नहीं जानते कि हम कहाँ पर हैं। जब आप नहीं जानते कि आप कहाँ हैं, तो आप शायद खो चुके होते हैं। हाँ। देखो बतख। हेलो बतख। माफ कीजिए श्रीमती बतख। क्या आप जानती हैं बतख का तालाब कहाँ है? क्या खूब किस्मत की बात है। रास्ता दिखाइए बतख। ये बतख वाली पगडंडी है डैडी। हम सबको बतखों की तरह चलना होगा। हम बतख के तालाब जा रहे हैं हिल-डुल के, और हम बतख देखने जा रहे हैं क्वैक क्वैक क्वैक। आखिर पेपा और उसका परिवार बतखों के तालाब तक पहुंच ही गए। हमने कर दिखाया। ये। आप समय से आ ही गए। मुझे यकीन है कि डाइवर्शन से होकर आने में आप खुश होंगे। हाँ, ये बहुत मजेदार था। और काफी कम फिसलन वाला। पेपा और एमिली एलिफेंट आज बीच पर खूब मजे कर रहे हैं। उन्हें पानी बहुत पसंद है। देखो एमिली, मैं एक मछली हूँ। छप छप छप। मेरे पास एक आइडिया है। मछलियाँ हैं पापा। तुमने ये कैसे किया एमिली? क्या तुमने अपनी सांस रोकी थी? नहीं, मैं अपनी सूंड का इस्तेमाल कर सकती हूँ क्योंकि ये बहुत लंबी है। क्या चल रहा है पापा? काश मेरे पास भी एमिली जैसी सूंड होती, ताकि मैं भी पानी के अंदर सांस लेते हुए मछलियाँ देख पाऊँ। मुझे पता है, मेरे साथ आओ पेपा। टरा! ये लंबी सी ट्यूब तुम्हारे मुंह में जाएगी और इससे तुम पानी के अंदर सांस ले सकोगी। एमिली की सूंड की तरह। बिल्कुल एमिली की सूंड की तरह। तुम्हारी आवाज मजाकिया क्यों लग रही है पेपा? ये मेरी सांस लेने की नली है। इसका मतलब कि मैं तुम्हारी तरह पानी में सांस ले सकती हूँ। देखो। नहीं पापा। ओ पापा, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। सांस लेने की नली ठीक से काम नहीं कर रही और पानी का स्वाद काफी अजीब था। पानी खारा होने की वजह से ऐसा है पापा। तुम्हें सांस नली को अपने होठों से कसकर बंद करना होगा ताकि तुम्हारे मुंह के अंदर पानी ना जाए और तुम सांस ले सको। तुम्हें लंबी लंबी सांसें लेनी होंगी इस तरह। पेपा लंबी लंबी गहरी सांसें लेने की कोशिश करती है। फिर से कोशिश करोगी? ठीक है।
बिरंगी मछलियाँ देखी। हाँ बहुत बढ़िया, और मदद करने के लिए शुक्रिया इमली। और पानी के खारे स्वाद से छुटकारा पाने के लिए जॉर्ज और मुझे लगा कि तुम्हें ये देना चाहिए। आइसक्रीम। ग्रुप के लिए तैयार होने का समय हो गया है पेपा। हेलो सांता, आप फिर से आ गए। आज पेपा का क्रिसमस की छुट्टियों के बाद प्ले ग्रुप में पहला दिन है। नहीं मम्मी, ये तो मैं हूँ। लेकिन पेपा नहीं चाहती कि क्रिसमस अभी खत्म हो। ओ पेपा, ये कपड़े तो काफी अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्ले ग्रुप के लिए सही नहीं है। लेकिन मुझे सांता की तरह कपड़े पहनना पसंद है। मैं नहीं चाहती क्रिसमस खत्म हो, कितना मजेदार होता है। मुझे पता है, लेकिन प्ले ग्रुप भी खूब मजेदार हो सकता है। तुम जाओ और अपने बैकपैक में चीजें रखो। गुड मॉर्निंग पेपा, तुम्हारा ये बैग तो काफी भरा हुआ है और काफी भारी भी। अरे तुमने इसमें क्या रखा है? बस प्ले ग्रुप में चमक लाने के लिए कुछ चमकती हुई चीजें। अच्छा, सांता की तरफ से एक खिलौना। अरे वाह, कुछ कैंडी केन्स। स्वादिष्ट। ओह, और कुछ ब्रसल स्प्राउट्स। शायद तुम्हें प्ले ग्रुप के लिए थोड़ी और काम की चीजें लानी चाहिए। जैसे क्या? शायद रंग भरने के लिए कुछ क्रेयॉन, कुछ स्वादिष्ट फल और पढ़ने के लिए किताब। ओह, सांता मेरे लिए वो किताब लाए थे। वो बढ़िया आइडिया है। जाने का समय हो गया पेपा। ओह, क्या हम स्लेट से प्ले ग्रुप जा सकते हैं? मुझे तेज जाना अच्छा लगता है। मुझे ऐसा नहीं लगता पेपा, बर्फ तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि स्नोमैन भी लगभग जा चुका है। मुझे लगता है कि आज हमें कार से जाना होगा पेपा। ठीक है। मैं जानता हूँ कि तुम क्रिसमस के खत्म होने से दुखी हो, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि प्ले ग्रुप भी उतना ही मजेदार हो सकता है। आज सुबह प्ले ग्रुप के सभी लोग पेपा को देखकर काफी खुश होते हैं। वेलकम बैक पेपा, क्या तुम्हारी क्रिसमस की छुट्टी मजेदार रही? हाय पेपा, क्या तुम मेरे साथ ड्रेस अप खेलना चाहोगी? अरे हाँ, मुझे ड्रेस अप करना पसंद है। या हम किताब पढ़ सकते हैं। सांता ने मुझे एक नई किताब दी है। चलो अपने स्कूटर पर एक दूसरे से रेस लगाते हैं। अरे हाँ जरूर। प्ले ग्रुप भी क्रिसमस की तरह ही मजेदार है। पेपा को क्रिसमस वाकई पसंद है, लेकिन पेपा को वापस प्ले ग्रुप जाना भी अच्छा लगता है। सभी को प्ले ग्रुप जाना अच्छा लगता है। आज पेपा के प्ले ग्रुप में आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स डे है। मैंने आज के लिए खूब सारे मजेदार आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स प्लान किए हैं। पहला है पेंटिंग। लेकिन ब्रश कहाँ है? ये देखो, ये रहे। कोई नहीं जानता कि मैडम गजल कहना क्या चाहती हैं। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। हम करेंगे उंगलियों से पेंटिंग। ब्रश की जगह तुम लोग हाथों का इस्तेमाल करोगे। अरे पेपा और उसका प्ले ग्रुप उंगलियों से पेंटिंग करके मजे ले रहे हैं। कितना प्यारा फूल बनाया पेपा। थैंक यू मैडम गिजेल। कितनी शानदार तितली है सूजी। थैंक यू मैडम गिजेल। और डैनी, ये तो गजब का कीचड़ वाला गड्ढा। शुक्रिया मैडम गजल। डैनी अपनी पेंटिंग पर कूद रहा है जैसे वो असली कीचड़ वाला गड्ढा हो। बढ़िया आइडिया डैनी, हम अब करेंगे फेस पेंटिंग। हर कोई अपने चेहरे को पेंट कर रहा है। सूजी एक तितली है, डैनी एक ज़ेब्रा है, फ्रेडी और एमिली टाइगर और मछली बने हैं।
और पेपा ने खुद को हरा बना लिया है। मैं हरी हूँ। इससे मुझे एक जबरदस्त आइडिया आया है। मैडम गजेल टेप लगा हुआ एक बड़ा कैनवस लेकर आती है। वो क्या है मैडम गजेल? ये तो एक सुंदर सा चित्र है। लेकिन मुझे चित्र नहीं दिख रहा। क्योंकि अभी पूरा नहीं हुआ है। तुम सब एक एक पेंट की बोतल ले लो और जितना छिड़कना चाहो छिड़क सकते हो इस कैनवस पर। बच्चों रंग छिड़को, मजे करो, बस जमीन पे मत गिराना। सभी को बड़े कैनवस पर पेंटिंग करके मजा आ रहा है। ये कितनी सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आई। मुझे भी। लेकिन मुझे चित्र दिख नहीं रहा। जल्दी ही देखोगी पापा। मैडम गजेल कैनवस से टेप निकाल रही हैं और टेप निकालने की वजह से पेंटिंग बन गई है स्टार। पेपा को प्यारा सा स्टार अच्छा लगता है और आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स डे भी अच्छा लगता है। पेपा और सूजी पुलिस ऑफिसर्स बनने का नाटक कर रहे हैं। पुलिस, हम आपकी मदद करेंगे। शुक्रिया पुलिस ऑफिसर्स। आपका स्वागत है। अब हमें अपराधों को सुलझाने के लिए वापस आना होगा। अरे ये क्या है मैडम गजेल? मुझे लगता है मेरा खास पेन कहीं खो गया है। ये तो रहस्य जैसा लगता है। परेशान ना हो, मैं और पुलिस ऑफिसर सूजी इस केस को सुलझाएंगे। पेपा और सूजी खास पेन तलाशने के लिए सुराग ढूंढ रहे हैं। वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे छोटी छोटी चीजें बड़ी दिखती है। आहा, बैंगनी। वो बिल्कुल ऐसा ही रंग है जैसा डैनी डॉग की टी शर्ट है। क्या तुमने उस खास पेन को देखा है डैनी? लगता तो नहीं, मैंने देखा है। ठीक है, बेहतर होगा कि हम आपको पुलिस स्टेशन ले जाकर कुछ सवाल पूछे। पेपा और सूजी ने एक नकली पुलिस स्टेशन बनाया है ताकि वो सभी से लापता पेन के बारे में सवाल पूछ सके। ये किताबों और तकियों से बना है। इस पुलिस स्टेशन में तो दरवाजे भी नहीं है, लेकिन पढ़ने के लिए ये जगह बढ़िया है। पेपा और सूजी सभी से खास पेन के बारे में पूछ रहे हैं। वो कैंडी कैट को नकली पुलिस स्टेशन ले आए हैं। कैंडी कैट, क्या तुम याद करके बता सकती हो कि वो खास पेन किस रंग का है? लाल? नहीं, हरा। दरअसल गुलाबी? नहीं, नीला। आहा, तुम तो बड़ी मददगार हो। चलो चारों तरफ बारीकी से देखे। मैडम गजेल का खास नीला पेन यही कहीं होना चाहिए। पेपा और सूजी शीप खास पेन को हर जगह तलाश रहे हैं लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिल रही है। जी तो वो यहाँ कहीं नहीं मिला। मेरे पास एक आइडिया है। अब मैडम गजेल नकली पुलिस स्टेशन में सवालों का जवाब दे रही है। आपने अपने पेन को आखिरी बार कब देखा था मैडम गजेल? देखो बात ऐसी है, आज सुबह मैंने पेन इस्तेमाल किया था, फिर मैंने उसे अपने कान के पीछे लगा लिया। अरे मैडम गजेल का खास पेन उन्हीं के कान के पीछे रखा हुआ था। हमने इसे ढूंढ लिया, हमने राज सुलझा लिया। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया पेपा और सूजी। मुझे लगता है कि तुम दोनों बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर बनोगे। सभी को मेरा हेलो। मम्मी पिग पेपा को प्ले ग्रुप छोड़ने जा रही है लेकिन मम्मी पिग बेबी अलेक्जेंडर की देखरेख भी कर रही है। ओह अरे अरे, बुरा ना माने तो मैं जाने से पहले एक बार अलेक्जेंडर की बदबूदार नापी साफ कर लूं। क्या हम उसे साफ करने में मदद करें प्लीज? ठीक है,
क्या तुम मुझे चेंजिंग बैग से नापी क्रीम दे सकते हो और एक साफ सुथरी नापी भी देना? सभी को बेबी अलेक्जेंडर की नापी बदलने में मम्मी पिक की मदद करना अच्छा लगता है। देखो एकदम तरोताजा। क्या हमारे साथ बेबी अलेक्जेंडर खेल सकता है? प्लीज। वैसे बिल्कुल क्यों नहीं। हाँ। पेपा बेबी अलेक्जेंडर को प्ले ग्रुप की अपनी सारी मनपसंद चीजें दिखा रही है। ये किताबें हैं। बेबी अलेक्जेंडर को सारी किताबें पसंद आती है। ये रही पूरी दुनिया और उसे ग्लोब को गोल गोल घुमाने में मजा आता है। और ये है मैडम गजेल। हेलो छोटी अलेक्जेंडर। लेकिन उसे मैडम गजेल सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। अब शायद थोड़ी सी पेंटिंग करनी चाहिए। सभी अपनी खुद की तस्वीर बना रहे हैं जिसे सेल्फ पोर्ट्रेट कहा जाता है। मैं हूँ पेपा पेंट। नमस्ते। हेलो पेपा, मैं फ्रेडी हूँ। मैं सूजी हूँ। और मैं जेरल हूँ। शाबाश बेबी अलेक्जेंडर, ये तो जायकेदार सेब जैसा लग रहा है। बेबी अलेक्जेंडर की पेंटिंग को देखकर पेपा को याद आता है कि लंच टाइम हो गया है। बेबी अलेक्जेंडर का भी लंच टाइम हो गया है। वो बच्चों का खास खाना खा रहा है। ये आई ट्रेन अलेक्जेंडर। चुक चुक। मम्मी क्या बेबी अलेक्जेंडर का खाना बढ़िया है? उसे अच्छा लगा। अरे अरे, निकलने से पहले क्या मैं अलेक्जेंडर को फिर से साफ कर लूं? हाँ, बिल्कुल। ओह मैं बैग ले लूं। बेबी अलेक्जेंडर का प्लेग्रुप में आना सभी को अच्छा लगता है। हेलो, मैं हूँ राजा पेपा। आज प्लेग्रुप का एक नया दिन है और सभी ऐसा नाटक कर रहे हैं कि पेपा एक राजा है। मैं राजा हूँ और मैं कहती हूँ कि सभी को स्वादिष्ट खाना खाना चाहिए। बेशक मेरे महाराज। राजा पेपा प्ले ग्रुप का राजा होने के मजे ले रही है। उसे स्वादिष्ट खाना वाकई पसंद आ रहा है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ थोड़ी सी किशमिश महाराज। ओ शुक्रिया कैंडी, मुझे किशमिश बहुत पसंद है। लेकिन मेरा पेट काफी भर गया है। क्या मैं राजा बन सकता हूँ अगर आप थक गई हो राजा पेपा? अच्छा आइडिया है, ये लो राजा पेड्रो। अब पेड्रो पोनी प्ले ग्रुप का राजा है। मैं कहता हूँ कि सब लोग कुछ लो। ऐसा क्यों महाराज? क्योंकि उछलने में मजा आता है। राजा पेड्रो ने सही कहा, उछलने में मजा आता है। बहुत अच्छा उछल रहे हो डैनी। शुक्रिया राजा पेड्रो। हॉप हॉप। किंग पेड्रो, आपने कहा था कि सबको उछलना है, मतलब आपको भी। ओ सही कहा। हॉप। क्या तुम अब राजा बनना चाहती हो कैंडी? म्याऊ। हाँ बिल्कुल। हॉप हॉप। आप कैंडी राजा है। मैं कहती हूँ कि सब को एकदम शांत रहना चाहिए। हाँ, अब सभी को बोलना है जोर से। हर कोई राजा कैंडी और राजा डैनी के नियमों के भरपूर मजे ले रहा है। शांति से, जोर से। शांति।
जॉर्ज राजा है। ओ? डायनासोर। हुर्रे! राजा जॉर्ज कहते हैं कि सभी को डायनासोर जैसी चीजें करनी चाहिए। सभी को प्लेग्रुप का राजा बनना पसंद आता है, लेकिन सभी को डायनासोर बनना सबसे ज्यादा पसंद आता है। आज पेपा के प्लेग्रुप में पैनकेक डे मनाया जा रहा है। ये एक आइसक्रीम है। क्या हम और तस्वीरों वाले पैनकेक बना सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, हमें बस चाहिए थोड़ा और पैनकेक मिक्स। पेपा एक कटोरे में आटा डालती है। कैंडी कैट उसमें एक अंडा डालती है। डैनी डॉग दूध डालता है और सूजी शीप सभी चीजों को अच्छी तरह से मिलाती है। मैडम गजेल पैनकेक मिक्स में फूड कलरिंग डालती है ताकि वे रंग बिरंगी तस्वीरों वाली पैनकेक बना सके। पैनकेक को पकाने से पहले हम पैन में अपने पसंद की कोई भी पैनकेक तस्वीर बना सकते हैं। क्या तुम थोड़ा गुलाबी रंग डाल सकती हो सूजी? और थोड़ा यहाँ भी। वाव! ये क्या है? आप क्या बना रही है मैडम गजेल? जल्द पता चलेगा। अब पैन बहुत गर्म हो जाएगा, इसलिए आपको थोड़ा सा पीछे हटना होगा बच्चों। वाव! पेपा! पैनकेक बिल्कुल पेपा जैसा दिखता है। मैं हूँ पेपा पैनकेक। और मैं बहुत स्वादिष्ट हूँ। क्या हम अगली चीज रेनबो बना सकते हैं? हाँ बेशक। पेपा और उसके दोस्त रेनबो के सारे रंग डालते हैं। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला। ओ? नहीं, मैंने रेनबो पैनकेक को खराब कर दिया। बिल्कुल नहीं, तुमने नीले रंग से प्यारा सा आसमान बना दिया है। चलो बनाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा पैनकेक। अरे वाह! बेकिंग पाउडर देगा हमें एक फुला हुआ पैनकेक, बस थोड़ा सा चाहिए। मैडम गजेल ने कुछ ज्यादा ही बेकिंग पाउडर डाल दिया। पैनकेक बड़ा होते ही जा रहा है। मुझे नहीं लगता हम इसे खा सकते हैं बच्चों। पर ये तो शानदार ट्रैम्पोलिन बन गया है। पेपा को पैनकेक डे पसंद आता है। सभी को पैनकेक डे पसंद आता है। बेबी अलेक्जेंडर और उसकी फैमिली हैप्पी क्रिसमस बोलने आई है, लेकिन बेबी अलेक्जेंडर बिल्कुल भी खुश नहीं है। बेबी अलेक्जेंडर क्यों रो रहा है? क्रिसमस मजेदार होता है। वैसे बेबी अलेक्जेंडर का पहला क्रिसमस है, उसे नहीं पता ये कितना मजेदार हो सकता है। तब तो ये और भी स्पेशल होना चाहिए। मैं उसे अपनी सारी पसंदीदा क्रिसमस की चीजें दिखाऊंगी। मुझे क्रिसमस डिनर काफी पसंद है। इसमें गाजर, आलू, स्प्राउट्स। नहीं, तुम्हें इसे खाना है, इसे फेंकना नहीं है। चलो कुछ और आजमाएं। टॉफी रैप करना वाकई मजेदार है। आप बुक को ऊपर लगा सकते हैं। नहीं, हमें उन्हें रैप करना होगा ताकि बाकी लोग उन्हें खोल सके। बेबी अलेक्जेंडर को लगता है कि तोहफे रैप करने की बजाय उन्हें खोलने में ज्यादा मजा आता है।
मुझे लगता है कि अलेक्जेंडर को क्रिसमस बिल्कुल ही पसंद नहीं। अच्छा, उसे तो तुम्हारे साथ मजा आ रहा है। लेकिन मैं चाहती थी कि ये उसके लिए थोड़ा और खास हो। अपने चचेरे भाई के साथ क्रिसमस बिताना काफी खास है पेपा। पर वो सब गलत कर रहा है। अलेक्जेंडर अभी बस एक बच्चा है, शायद तुम्हें उसे कुछ आसान सी चीजें करने के लिए देनी चाहिए। क्रिसमस बच्चों के लिए? ओह, मेरे पास एक आइडिया है। बेबी अलेक्जेंडर को क्रिसमस के तोहफे पास करने में मजा आ रहा है। थैंक यू अलेक्जेंडर, ये तोहफा मम्मी के लिए। और उसे क्रिसमस ड्राफ्ट वाकई पसंद है। बहुत अच्छा किया अलेक्जेंडर। और म्यूजिक भी। What fun it is to ride on a one-horse open sleigh. लेकिन उसे सबसे ज्यादा पेपा के साथ क्रिसमस मनाना पसंद है। अब हमें अलेक्जेंडर का पहला क्रिसमस हमेशा याद रहेगा।